नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। सबसे पहले देवप्रयाग से बड़ी खबर आपको दे देंगे, जहां पर जेसीबी और पॉकलेट मशीन पर मलबा गिरा है। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त देवप्रयाग से बड़ी खबर, जेसीबी और पॉकलेट मशीन जो लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि पहाड़ियां दरक रही है, भूस्खलन लगातार हो रहा है, लैंडस्लाइड जोन सक्रिय है। ऐसे में इन्हीं मशीनों की मदद से मलबे को हटाने का काम अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, लेकिन देवप्रयाग में हादसा हो गया। देवप्रयाग में जेसीबी और पॉकलेट मशीन पर मलबा गिर गया है। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। SDRF और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। आप बड़े बड़े बोल्डर को देख सकते हैं, बड़े बड़े बोल्डर के नीचे तलाशी कैसे की जा रही है, बड़े बड़े चट्टाने गिरी हैं, उन चट्टानों के नीचे जो ये टीम है SDRF की, वो ढूंढ रहे हैं लोगों को। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। और ये दुखदायी तस्वीरें भी सामने आई है, आप इन तस्वीरों को देखेंगे, चट्टान है, बड़े बड़े चट्टाने गिरे हैं और उस पर खून के इतने धब्बे हैं कि हम उस जगह को धुंधला करके आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे रेस्क्यू वहां पर चलाया जा रहा है। इतने बड़े बड़े पत्थर है कि जेसीबी मशीन तक उसमें दब गए, पॉकलेट मशीन तक उसमें दब गए। देवप्रयाग से ये खबर। अभी शवों को मलबे से निकालने का काम लगातार चल रहा है। आपको ये बता दें कि देर रात करीब 3 बजे बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है और पॉकलेट मशीन और जेसीबी पर यह मलबा गिरा। अमूमन रात के वक्त में इस तरह का कार्य नहीं होता है। रात के वक्त कोशिश ये की जाती है कि मलबा हटाने का कार्य ना किया जाए और दिन के उजाले में ये सारा कार्य किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ियाँ कमज़ोर हैं, लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड होने के बाद भी चूँकि जगह सक्रिय रहती है, पहाड़ी दरकने का सिलसिला जारी रहता है, ऐसे में इस तरह का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन उसके बाद रात को 3 बजे करीब ये हादसा हुआ है, पॉकलेट मशीन और जेसीबी पर ये मलबा गिरा है। अब मशीनें खड़ी थी या कार्य कर रही थी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी रेस्क्यू का कार्य वहां पर चल रहा है, शवों को निकालने का काम चल रहा है, SDRF मौके पर मौजूद हैं। ये सबसे पहले बुलेटिन में आपको दुखदायी खबर दे रहे हैं, तकलीफ देने वाली खबर दे रहे हैं। एक तो सड़कें बाधित हैं, सड़कों पर गिरे मलबे को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस बीच में ये बड़ा हादसा देवप्रयाग में हुआ है। जेसीबी और पॉकलेट मशीन पर मलबा गिर गया है। आप चट्टानों के आप साइज को देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े चट्टाने सड़क पर आ गिरे। खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने पार्टी के 4 विधायकों को आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने तलब किया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, देशराज कर्णवाल, पूरण सिंह फर्तियाल और महेश नेगी को आज तलब किया गया। इनमें से 2 विधायक विवादों में घिरे रहे हैं और 2 विधायकों पर पार्टी का अनुशासन तोड़ने का आरोप लगा है। आपको यह बता दें कि द्वारहाट क्षेत्र से विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है, जिसके बाद पार्टी की काफी फजीहत हुई है और अभी भी हो रही है। वहीं खानपुर से, हरिद्वार की खानपुर सीट से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन बंदूकबाज विधायक जो बंदूकों के साथ नाचते हुए देखने को मिले थे और उन्होंने उत्तराखंड को लेकर भी एक विवादित टिप्पणी की थी, वो अब विवादों में हैं। इस मुद्दे पर पार्टी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था, 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब अटकलें ये लगाए जा रहे हैं कि उनका निलंबन वापस लिया जा सकता है। वहीं झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल, आपको ये बता दें कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और देशराज कर्णवाल के बीच के आपसी टकरार भी किसी से छुपी नहीं है, वो कई बार सामने आ चुकी है। उधर लोहाघाट से विधायक पूरण सिंह फर्तियाल पर पार्टी का अनुशासन तोड़ने का आरोप लगा है। ये 4 विधायक हैं जिनको आपको बता दें कि तलब किया गया, लेकिन एक सवाल यह है कि जब पार्टी में नहीं है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अभी, तो उनको पार्टी अध्यक्ष ने बुलाया है, ये सवाल खड़े करता है। तो बीजेपी ने अगर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो आखिर ये किस तरह का बाहर का रास्ता दिखा है? सवाल ये कि जब 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया तो क्या 6 साल कंप्लीट हो गए, 6 साल खत्म हो गया और ऐसा क्या परिवर्तन देखने को मिला कि अब कुंवर प्रणव चैंपियन से सहानुभूति पार्टी को देखने लगी है, या इसके पीछे कोई और फैक्टर्स में? बहरहाल सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार का, जो हमारे साथ और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है आज का, कब आने वाले हैं सारे विधायक, कब मुलाकात करने वाले हैं और किस सिलसिले में मुलाकात है? मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को डिटेल जानकारी दें। आज 11 बजे का 4 विधायकों को भाजपा प्रदेश संगठन की ओर से समय दिया गया है, यानी आज 11 बजे के बाद उन विधायकों की क्लास लगने वाली है जो सुर्खियों में रहते हैं। खासकर सबसे मैं बारी बारी से आपको बताऊं, महत्वपूर्ण है कि वो हरिद्वार के खानपुर से विधायक कुंवर
प्रणव सिंह चैंपियन सबसे विवादित विधायक अगर हैं तो उनको एक साल पहले अनिल बलूनी जो खुद राज्यसभा सांसद है लगातार जिस तरह से वो विवादों में रहे प्रणव सिंह चैंपियन उनके ठीक बाद केंद्र सरकार की ओर से यानी अनिल बलूनी की ओर से कड़े रुख की तरफ जब एक्शन लिया गया तब उनको निष्कासन कर दिया गया। 6 साल के लिए निष्कासन किया गया था लेकिन अब बढ़ती सक्रियता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बता रही है कि वो जल्द ही अब बहाली का रास्ता देख रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल यही है, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर ही मेरा सवाल है, आप अनिल बलूनी के उस बयान का जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने जेपी नड्डा ने आदेश दिया और उसका जिक्र किया कि उत्तराखंड के लोगों की उत्तराखंड के लिए इस तरह की टिप्पणी न वहां के लोगों को बर्दाश्त है न पार्टी को बर्दाश्त है और उनका ये आचरण बिल्कुल भी पार्टी की विचारधारा के अनुकूल नहीं है। अब सवाल यह है कि जब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष का उनको बुलाना है, ये कहां तक उचित? क्या वो अभी भी पार्टी में है? जी देखिए राजीव, मैं आपको यही बताऊं कि लगातार जो 4 विधायक हैं, सबसे इसमें महेश नेगी जिस पर एक महिला के द्वारा बलात्कार के आरोप लगे हैं, तेजराज गढ़वाल जो ऑडियो क्लिप और अनुशासनहीनता के मामले पर उनको तलब गया था हालांकि वो पूर्व में जवाब भी दे चुके हैं, और साथ ही पूरन सिंह प्रत्याल जो अपनी जीरो टॉलरेंस की सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया, और अब बात आती है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जो लगातार पहले से ही निष्कासन है लेकिन अब बढ़ती उनकी सक्रियता इस बात का सबूत दे रही है कि वो खुद बहाली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हालांकि प्रदेश संगठन की ओर से माना गया है कि उनके आचरण में सुधार है, हालांकि वो आचरण कितना सुधरता है वो तो देखने वाली बात होगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि करीब 1 साल हो गया है उनके निष्कासन को, और जब तमाम तमंचे पर डिस्को करने वाले तमाम वीडियो उनके जारी हो रहे थे, बयानबाजी उनके हो रही थी, तमाम विधायक के साथ में खुलेआम उनका झगड़ा था, तो केंद्रीय आला कमान की ओर से कड़ा रुख होने के चलते उनको निष्कासन कर दिया गया था। बिल्कुल विनोद, सवाल बहुत सारे खड़े होंगे इस पूरे मामले पर, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन वो बंदूकबाज विधायक, सवाल ये है कि क्या पार्टी भूल गई उनके बंदूकबाज उनके उस तमंचे पर डिस्को को, सवाल ये कि उत्तराखंड के खिलाफ जो उनकी टिप्पणी थी क्या उस टिप्पणी को भुला दिया गया है, सवाल ये कि जब मीडिया में सामने आकर बयान दिया गया था कि इनका आचरण पार्टी के अनुकूल नहीं है, इनका वक्तव्य पार्टी के अनुकूल नहीं था लिहाजा इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसके बाद भी पार्टी की बैठकों में और उनसे सवाल जवाब करने का अधिकार क्या अभी भी पार्टी के पास है, क्या वो पार्टी में है? इस सवाल का जवाब पार्टी को देना चाहिए, और यही विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि बाहर कर दिया गया है तो फिर सवाल कैसे। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है, 26 से 29 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है उत्तराखंड में। ये बड़ी खबर आपको देते हैं, उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, नदियों में उफान, अलग अलग जगहों से खबरें हमने आपको दिखाई, बादल फटने की वजह से कई जगहों पर बड़ा नुकसान हुआ है और 26 से 29 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यह बारिश की संभावना जताई है, वो अलर्ट है। और हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, कौन कौन से जिलों के लिए अलर्ट है और किस तरह की बारिश हो सकती है, क्या बताया मौसम विभाग ने? जी देखिए राजीव, लगातार उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे में आने वाले 6 दिनों के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि बारिश का सिलसिला जारी है और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसी स्थिति निचले इलाकों में बनी हुई है, और अगर खासकर पूरे प्रदेश की बात करें राजीव, तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश की आशंका जताई है, और ऊपरी पहाड़ी इलाकों के तमाम जनपदों में बारिश और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की भी आशंका यहाँ मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और मैं आपको बताऊं कि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में तमाम ऐसे राजमार्ग हैं जो मलबे आने के कारण अवरुद्ध हो चुके हैं, खोलने का प्रयास उनको जारी है, और तमाम SDRF पुलिस बल और तमाम BRO के जवानों को मार्गों को खोलने के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से बारिश का लगातार होना बाधा बनी हुई है, और ऐसे में आने वाले 6 दिनों के लिए भी लोगों को और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश का होना और उसके बाद में जो निचले इलाके हैं खासकर हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर की बात करें तो तमाम जल भराव जैसी समस्या वहाँ पर सामने लोगों के आ रही है, तो माना जाए कि आने वाले दिनों में और लोगों के सामने बारिश अपना कहर बरपा सकती है। राजीव जी, विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। चमोली के कर्णप्रयाग में पहाड़ी से मलबा गिरा है और मलबा गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आए हैं जो ABP गंगा आपको दिखाने जा रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें हैं, गौचर ITBP के पास लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से मार्ग की दोनों ही तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।
तो तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं देवभूमि में, पहाड़ियां दरक रहे हैं, कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें हैं और आईटीबीपी कैंप के पास ही ये पहाड़ी धरती है। देखिए पहले तो थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकली, फिर उसके बाद भड़भड़ा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया और उसके बाद से अब मार्ग पर गिरे इस मलबे को हटाने का काम जारी है क्योंकि ये बड़ी मात्रा में मलबा गिरा है, पहाड़ियां दरक रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार गिरते पहाड़ियों के साथ साथ लगातार आवाजें भी उठने लगे हैं। आवाजें पर्यावरण उद्भिद उठा रहे हैं कि क्यों बेतहाशा पहाड़ों का कटान हो रहा है। सड़कें जरूरी हैं लेकिन साथ साथ पहाड़ों की सेहत भी जरूरी है और मानसून सीजन में सारा का सारा सारी की सारी हकीकत स्पष्ट हो गई है कि पहाड़ों के साथ ज्यादा छेड़खानी पहाड़ों को भी बर्दाश्त नहीं है और ये इंसानों के लिए भी उचित नहीं है। क्योंकि देवभूमि में कैसे पहाड़ गिर रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसके बाद से लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई क्योंकि ट्रैफिक वहां पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया, ट्रैफिक रुक गया, तो लोगों ने तस्वीरें अपने फोन में भी कैद की। रात की तस्वीरें आप एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ दिन की आप तस्वीरें देखें कि दिन हो रात हो पहाड़ियों में जो लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हैं और जहाँ पर लैंडस्लाइड जोन नहीं था वहाँ पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड नए बन गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। अब एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर किसी की भी सांस हलक में अटक जाए, मानसून सीजन में पहाड़ी इलाकों में सफर कितना खतरनाक हो सकता है। ये तस्वीर एक चेतावनी की तरह श्रीनगर गढ़वाल इलाके में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा चंद सेकंड में सड़कों पर आ गया। देखिए इस तस्वीर को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए, सांसें एक पल के लिए थम जाए, दिल बैठ जाए। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग के निकट NH-58 कौडियाला पर पहाड़ गिरने की खौफनाक तस्वीर है। एक बार फिर देखिए किस तरह एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरकर सड़क पर आ जाता है। इस दौरान तेज और खौफ पैदा करती आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। ये संयोग ही था कि जिस समय ये पहाड़ गिरा उस वक्त सड़क पर कोई गाड़ी या लोग नहीं गुजर रहे थे, नहीं तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था इसे सोचकर भी सिहरन पैदा हो जाती है। इस पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ जाने के कारण अब मार्ग बंद करना पड़ा है। वैसे पहाड़ी इलाकों में पहाड़ टूटकर गिरने और भूस्खलन की घटनाएँ लगातार होती रहती और मानसून के सीजन में ये ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सावधानी ही एकमात्र उपाय है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। खबर अब टिहरी से जहां पर ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94 बाधित है। भारी बोल्डर गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया है, सड़क को दोनों ही तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगे हैं। आप इन तस्वीरों को भी देखिए, इससे पहले हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई और पहाड़ी दरकने की तस्वीर आपने देखी थी और अब आप तस्वीरें देखिए टिहरी की। इससे पहले श्रीनगर गढ़वाल की तस्वीरें थी, अब टिहरी की तस्वीरें आप देखें तो जिलों के नाम बदल दीजिए लेकिन तस्वीरें बदली नहीं है, भूस्खलन की ही तस्वीरें आप यहां पर भी देख रहे हैं। नेशनल हाईवे 94 की तस्वीरें हैं, ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे ये है। वो हाईवे व्यस्ततम हाईवेज में से एक माना जाता है, आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है इस हाईवे पर, लेकिन बड़े बड़े पत्थर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गिरी हैं सड़कों पर और उसके बाद से अब मार्ग को खोलने का काम जारी है। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित हल्दा पानी के पास में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां पर पानी निकासी तक की व्यवस्था नहीं है, पानी भरने से भू धसाव हो रहा है जिसकी वजह से हल्दा पानी बस्ती में खतरा पैदा हो गया। भू धसाव की वजह से नवनिर्मित मकान भी पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। वहीं आसपास के 20 से ज्यादा मकानों को फिलहाल खतरा बना हुआ है। चमोली की यह तस्वीरें आप देखिए, घरों को नुकसान पहुंचा है, पानी निकासी ना होने की वजह से भी दिक्कतें हो रही है। अब नव निर्मित मकान वो जमीन दोष हो गया।
रुद्रप्रयाग में बारिश और भूस्खलन की वजह से जिले के 12 मोटर मार्ग बंद पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वक्त पर हो नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण लिंक मार्ग बंद होने की वजह से जनता परेशान है, लोग मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली या लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों की हालत क्या है वो तो आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। सड़कें पिछले 2 हफ्ते से बंद पड़ी हैं, लेकिन अभी तक सड़कों को खुलवाने के लिए कोई काम हो नहीं पाया है। जो छोटे छोटे गदेरे हैं वो उफान पर हैं और उसकी वजह से सड़कें तबाह हो चुकी हैं। तो एक तरफ छोटे छोटे नदी नाले गदेरे उफान पर और दूसरी तरफ भूस्खलन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को। नैनीताल के भूमियाधर में एक कार और बाइक की टक्कर हो गई और टक्कर के बाद कार चालक गहरी खाई में जा गिरा, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने रेस्क्यू करके अस्पताल में भेजा। वहीं हादसे में बाइक सवार युवक भी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये दोनों ही भूमियाधार से ज्यूलीकोट की तरफ जा रहे थे। खबर अब विकास नगर से, जहां पर टायर ब्लास्ट होने की वजह से अनियंत्रित होकर एक कार चट्टान से जा टकराए। ये डस्टर कार जो चट्टान से जा टकराए, टायर में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद ये गाड़ी, ये कार अनियंत्रित हो गई। हादसे में 3 लोग, कार सवार लोग घायल हुए हैं। राहत की बात और गनीमत ये रही कि सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ खाई में गिरने से बाल बाल ये कार बची है। खाई में नहीं गिरी, ऊपरी चट्टान से टकराए, उसके बाद की स्थिति आप देख रहे हैं। गाड़ी की खाई में गिरती तो कार सवार लोगों की जिंदगी बचा पाना बड़ा मुश्किल हो सकता था। देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, सचिवालय की व्यवस्था में बदलाव हुआ है। देहरादून में सचिवालय की व्यवस्था में बदलाव, अब ओएसडी नहीं अफसर संभालेंगे अधिकारियों की जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये कुछ बदलाव हुआ है। ओएसडी जो संभाला करते थे अधिकारियों की जिम्मेदारी को, अब ओएसडी नहीं, अधिकारी ही संभालेंगे जिम्मेदारी को। मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के जो डी अफसर हैं वो डी अफसर के रूप में काम करेंगे। आईएएस और पीसीएस अधिकारी विनोद हमारे संवाददाता, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, ये जो बदलाव हुआ है, जो व्यवस्था में बदलाव हुआ है, इस व्यवस्था में बदलाव के पीछे का कारण और नई बदली हुई व्यवस्था किस तरह की होगी, ये आप बताएं दर्शकों को। जी देखिए राजीव, कुछ व्यवस्थाओं को लेकर सचिवालय में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत या कोई भी मुख्यमंत्री हो, पहले जो एक आईएएस और पीसीएस अफसर काम करते थे ओएसडी के रूप में, तो अब उनकी जगह ओएसडी को दे दिया था। तो तमाम लंबे समय से सरकारी अफसरों के साथ साथ ओएसडी को तैनाती दी गई थी, तो उन व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए अब जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं उनकी जगह आईएएस और पीसीएस अफसर को तैनाती मिलेगी। और साथ ही साथ जो डे अफसर ओएसडी हुआ करते थे, अब आईएएस और पीसीएस अफसर होंगे। तो तमाम व्यवस्थाओं को आज बदलते हुए ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ ये लंबे समय से ये प्रक्रिया और व्यवस्था चल रही थी कि सीएम के ओएसडी उनके प्राइवेट ओएसडी थे, और अब उनको बदलकर उन पर सरकारी यानी आईएएस और पीसीएस अफसर वहां पर तैनात किए जाएंगे। जी जी विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। देहरादून से अगली बड़ी खबर, ई मीटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का शुभारंभ हुआ है देहरादून में। ये ई मीटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका शुभारंभ हुआ है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपको ये बता दें कि 11 बजे करने वाले शुभारंभ इसका, ये शुभारंभ हुआ नहीं है, आज होने वाला है। 11 बजे इसका शुभारंभ होगा, ई मीटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का शुभारंभ आज 11 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे इसका शुभारंभ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप खबर मसूरी से, मसूरी में अतिक्रमण पर सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। शिफॉन कोर्ट में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाएगा। मसूरी से बड़ी खबर आपको दे दें, शिफॉन कोर्ट में सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। 84 परिवारों के मकानों पर जेसीबी चलने वाली है। जी हाँ, 1, 2, 3, 4 नहीं, 84 परिवारों के मकानों पर
जेसीबी बुलडोजर चला दिया जाएगा अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर। हालांकि विरोध लोगों का जरूर देखने को मिलता है। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। सुनील, किस किस हिस्से में कार्रवाई होगी, दूसरा लोगों का विरोध है उसको देखते हुए क्या तैयारियां वहां पर है और क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है? देखिए, अभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर एटीएम प्रशासन अरविंद पांडे के नेतृत्व में पूरी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। यहाँ पर मसूरी विधायक मौके पर पहुंचे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अतिक्रमणकारी हैं उनको कुछ समय यहाँ पर दिया जाए और इसी को लेकर यहाँ पर वार्ता चल रही है। परंतु उनका ये साफ तौर पर कहना है कि किसी भी हाल में अतिक्रमण को हटाया जाएगा, कुछ समय जरूर दिया जाएगा जिससे कि उनका सामान और अन्य चीजें ध्वस्त न हो। और इसी को लेकर उन्होंने ये भी आग्रह किया है कि कोई भी कोर्ट, क्योंकि इनका जो डे था वो 17 तारीख को यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। ऐसे में ये सूत्रों से जानकारी मिलती है कि अतिक्रमणकारियों की तरफ से डेलीगेशन हाईकोर्ट किया हुआ है डबल बेंच पे और कोशिश कर रहा है कि पूरी कार्रवाई पे स्टेल आए। इसी को लेकर प्रशासन और विधायक इन लोगों से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आपको कुछ समय जरूर दिया जाएगा, परंतु अगर आप कोर्ट की शरण लेंगे और एक बार फिर कहीं ना कहीं से पूरे कार्रवाई में रोड़ा बनेंगे तो कार्रवाई होना तय है। तो ऐसे में अभी वार्ता चल रही है। अब वार्ता सफल होती है या विफल थोड़ी देर में पता लग जाएगा, पर कोशिश की जा रही है कि इनको कुछ समय दिया जाए। और क्योंकि यहाँ पर पुरुकुल रोपवे का पूरा प्रोजेक्ट आना है, 500 करोड़ का ये रोपवे है और मसूरी में इसका प्लेटफॉर्म इसी क्षेत्र में बनना है, इसको लेकर पूरी ये जद्दोजहद पिछले कई सालों से चल रही है कि यहाँ से इन लोगों को हटाया जाए। ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखे फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इस वक्त बातचीत चल रही है, प्रशासन की बातचीत चल रही है इन 84 परिवारों से जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया था सरकारी भूमि पर। रोपवे का निर्माण कार्य होना और उसी जगह पर प्लेटफॉर्म उसका तैयार होना है, लिहाजा यहाँ पर इस भूमि पर से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है और उनसे बातचीत भी की जा रही है। रुड़की में दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है और पूरा का पूरा मामला धनौरी चौकी इलाके का है। ये तस्वीरें हैं रुड़की की, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दो पक्ष आपस में भिड़े, उनके बीच में बहुत बड़ा विवाद नहीं था, छोटे से विवाद को लेकर ही ये आपस में भिड़ गए। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से किसी तरह की कोई तहरीर, कोई FIR दर्ज नहीं करवाई गई। उत्तराखंड के जसपुर से विधायक आदेश चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अफसरों को गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग एक मोहल्ले को सील करने के लिए, यानी कि कंटेनमेंट जोन उसको बना रहा था। इस दौरान मोहल्ले वालों ने हंगामा कर विधायक को बुला लिया और फिर उसके बाद विधायक जी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, लेकिन गालियों का अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए और पूछा कि कंटेनमेंट जोन इसको बनाया कैसे जा रहा है जब एक भी इस गली में कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है। तुम अधिकारियों ने सरकार के नाजायज कानून का फायदा उठा रहे हो। देश का कोरोना का आंकड़ा क्या है वो भी सामने आ गया। देश का कोरोना का आंकड़ा एबीपी गंगा आपके सामने रखने जा रहा है। 31 लाख पार हो गई है संख्या, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31 लाख के पार हो गया है। बीते 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो है 61,408 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जबकि 836 लोगों की मौत भी हुई है इस 24 घंटे में। 31,06,348 देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई कुल। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा हो गया है, मृत्यु दर बहुत कम है। अब तक 57,542 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर घरों को लौट भी चुके हैं। देश के बाद अब उत्तराखंड का कोरोना का आंकड़ा आपको देते हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,000 पहुंच गई है, 15,000 पार हो चुकी है संख्या उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव केसेस की। 24 घंटे के भीतर 495 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 15,124 अब राज्य में हो गए है। अब तक 200 लोगों की कोरोना से उत्तराखंड में मौत भी हो गई है। 4,398 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त उत्तराखंड। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।